आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें रेंज डोमेन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा, तो आप इसकी प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं 24 से। लेट एन ए इज इक्वल्स टू एम, एन बी इज इक्वल्स टू एन, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, आपको जब भी रिलेशंस फाइंड करने का बोला जाए तो आपका जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं उसका आप पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है आपका सेट ए, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ए, और ये आपको दे रखे हैं एम। तो टोटल एलिमेंट्स इन सेट ए दैट इज एन ए इज इक्वल्स टू एम, फिर टोटल एलिमेंट्स इन सेट बी ये आपका एन बी इज इक्वल्स टू एन। ठीक, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा इसका, ए क्रॉस बी, और इस ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे आपके, एम इंटू एन या सिंपली एम एन। ये चीज़ आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब जब भी आपको रिलेशन निकालने के लिए बोला जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी, इसके सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, अब सबसेट निकालने के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, जितने एलिमेंट्स है उसको पावर में कर दीजिए, जैसा कि आप पावर सेट में करते थे। पावर सेट मतलब कि आपके सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका सेट। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर mn। अब यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला है नॉन एम्प्टी, इस 2 की पावर mn में आपका 5 भी आ रहा है। जब भी आप सबसेट की बात करते हैं तो सबसेट के अंदर 5 भी होता है, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। पर क्योंकि उन्होंने बोल रखा नॉन एम्प्टी रिलेशन, मतलब इसमें कोई सी भी एम्प्टी चीज़ वैकेंट चीज़ नहीं आना चाहिए, तो इसको अपन हटा देंगे। हियर वी हैव 2 to the power mn रिलेशंस इंक्लूडिंग 5, और 5 क्या है, विच इज़ एम्प्टी। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस ये आपके क्या हो जाएंगे, 2 की पावर mn, और 5 को आपने हटा दिया, 5 एक ही तरह से आता है तो -1। ठीक, तो इसका आंसर है डी, 2 की पावर mn -1। क्वेश्चन नंबर 25th, इफ ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं इसको आप, -5 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। पहले आप एक काम कीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स है इसको आप मान लीजिए वाई, इसके जब आप रूट्स निकाल लें देन वाई को आप इसके इक्वल रख देना, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाई स्क्वायर -5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये तो बहुत ईजी है, वाई -2 इंटू वाई -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, मैं मॉड बोल रहा हूँ आप समझ जाइएगा, और मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब इसका मतलब क्या है, पहले आपको मैं समझाना चाहूँगा, और मैंने आपको समझाया भी था पहले, कि जब भी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप कुछ वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर डाला 2, तो आपको 2 ही मिलेगा। अगर मैंने 2.1 प्लेस किया तो मुझे 2 मिलेगा, इवन मैंने 2.999 अप टू 1000 टाइम्स भी प्लेस किया तो भी मुझे 2 मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में पास वाला इंटीजर जो कि छोटा होता है वो आपको मिलता है। ठीक, तो ये आपकी जो वैल्यू आई है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स कम से कम 2 तो होगा ही होगा, और हमेशा 3 से छोटा होगा। ठीक, एक्स इज ऑलवेज आइदर इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2, बट इज ऑलवेज लेस देन 3। ठीक, देख लीजिए आप, ऐसा करने पे आप कोई सी भी वैल्यू डालते हैं एक्स की, आपको हमेशा 2 ही मिलेगा। उसी तरह से अगर हम इसको देखें तो इसमें आप देखिए कि 3 या 3 से आप कोई सी भी बड़ी वैल्यू डालते हैं पॉइंट में, 3.99, 3.4, 3.56, एनीथिंग, ये आपको 3 ही मिलना है। तो ये जो वैल्यू है एक्स की, ये हमेशा क्या है, 3 के बराबर है और उससे बड़ी है, पर 4 से हमेशा छोटी है। जब आप इसमें 4 डालेंगे तो ही 4 मिलेगा, नहीं तो आपको 3 ही मिलना है। और यहाँ पे क्योंकि इन्होंने बोल रखा है ये इज इक्वल्स टू 3 है, तो आपको 4 से छोटी वैल्यू ही डालना पड़ेगी। तो
तो इसके लिए ये सब वैल्यूज पॉसिबल है। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इज लेस देन 4, ठीक। तो ये आपका हो गया एक्स बिलोंग्स टू 3, 4, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल। अब इसमें आप देखिए ये दोनों केस कैसे हैं, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपका, और मतलब यूनियन। इधर एक्स बिलोंग्स टू, ये पूरी एक चीज़ है, यूनियन एक्स बिलोंग्स टू 3, 4 है, ये एक चीज़ है। अब एक्स बिलोंग्स टू 2, 3, इसमें क्या हो सकता है, आपकी एक्स वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स इज इक्वल्स टू 2, 2.1, 2.2 एंड सो ऑन, पर हमेशा 3 से कम होगी, 2.9999 हद से ज़्यादा इतनी होगी, पर 3 नहीं होगी। इसमें ऐसा हो रहा है, और इस केस में ये 3 से लेके 3.1, 3.2 अप टू 3.999 अप टू एनी नंबर ऑफ टाइम्स, पर 4 से कम होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर क्या आ रहा है आपके पास, यूनियन। यूनियन मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं, तो 2 से लेके 3.99 तक के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब x की कम से कम वैल्यू 2 रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो भी रहेगी वो 4 से कम रहेगी, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको, x बिलोंग्स टू 2, 4 और यहाँ पर ओपन इंटरवल, ठीक। ये x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और लेस देन 4 है। इन दोनों का मिश्रण करने पे आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है। तो उसका आंसर है x बिलोंग्स टू 2, 4, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 26, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/(1 − 2 cos x) इज, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको मिल रहा है cos x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए cos x से, क्योंकि यहाँ पर रेंज की बात करी गई है। तो cos x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये चीज़ आप जानते हैं। cos x बिलोंग्स टू -1, 1 इन क्लोज इंटरवल। अब फिर क्या हुआ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब जगह 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2, देन इसमें माइनस साइन आया, तो आपने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। वही चीज़ लिखी है, देखिए आप उसको उल्टा करके लिख दिया है इन्होंने, होना वही है, -2 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यही चीज़ आपको मिल रही है। इसके बाद इसमें 1 भी प्लस कर दिया, तो -2 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 − 2 cos x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 + 2। तो यहाँ पर -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 − 2 cos x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक, ऐसा आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये पूरी चीज़ 1 − cos 2x ये डिनोमिनेटर में आ रही है, ये गौर करने वाली बात है। अभी आप ये जानते हैं कि -1 और 3 इसके बीच में आपको 0 भी आ सकता है। अगर मैं इसको ऐसा तोड़ के लिखूँ तो ये -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 − 2 cos x इज लेस देन 0, और 0 से बड़ा 1 − 2 cos x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ऐसा करने में कुछ गलत नहीं है, ऐसा आप कर भी सकते हैं। अब मैंने 0 ही क्यों लिया ये आपको मैं समझाता हूँ। देखिए हमेशा जब भी आप रेंज डिफाइन करते हैं तो उसमें आप क्या लेते हैं, लोवेस्ट से लोवेस्ट लिमिट -∞ से बड़ी हो, और अपर से अपर लिमिट इन्फिनिटी से छोटी हो, ठीक, इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, ये अभी तक आप पढ़ते आए हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लेता, इसकी जगह मान लीजिए 1 लेता, तो इसको जब मैं उल्टा करता तो मुझे यहाँ पे 1 ही मिलता। मैं अगर 0 कर रहा हूँ और इसको उल्टा कर रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ, तो मुझे 1/0 मिलेगा, जो कि मुझे इन्फिनिटी देगा। मेरा मेन टारगेट है कि मैं इन्फिनिटी लेकर आऊँ, जिससे कि मैं अपनी रेंज फाइंड कर पाऊँ। अब क्वेश्चन में भी देखिए, इसमें जो आपका एक ऑप्शन है सी वाला, इसमें −∞ to ∞ आ रहा है, हालांकि ये इसका आंसर है, पर कैसे है ये भी आपको समझाऊंगा मैं। अब जैसे ही मैंने इसको उल्टा किया तो मुझे क्या मिल गया, पहली बात तो साइन भी रिवर्स हो जाएंगे, ये चीज़ भी आप जानते हैं। अगर 3 > 2 है तो इसको जब आप उल्टा करते हैं तो 1/3 हो जाता है, और 1/3 इस लेस देन 1/2 होता है, 1/3 आधे से कम ही होता है। तो जैसे ही आपने इसको उल्टा किया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 1/(1 − 2 cos x इज लेस देन -1 इक्वल्स टू -1 इज ग्रेटर देन 1/0।
अब इज ग्रेटर देन 1/0, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। ठीक, इसको मैं आगे पीछे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन 1/0 या 1/(1 − 2 cos x) और लेस देन इक्वल्स टू -1, ऐसा लिखें या ऐसा लिखें बात एक ही है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो 1/0 आ रहा है इसको आप इन्फिनिटी मत लिखिएगा, क्यों? क्योंकि ये -1 से कम है तो इन्फिनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1/0 जो आपको देगा वो आपको देगा माइनस इन्फिनिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि लोवेस्ट एक्सट्रीम वैल्यू, उससे आपकी रेंज वाली चीज़ बड़ी होती है। तो इससे बड़ा है 1/(1 − 2 cos x) और -1 से छोटा है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे आपका और चल रहा है सब जगह। अब इसको हम समझ लेते हैं, जैसे आपने इसको उल्टा करा यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 1/0 इज ग्रेटर देन 1/(1 − 2 cos x), साइन चेंज हो गए, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3। अब इसको आपने पलटा के लिखा तो 1/3 इधर कर दीजिए, अब 1/3 से बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम ये पॉजिटिव है ये आपको मिल गया, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ग्रेटेस्ट एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक, तो ये जो आपका एफ एक्स है ये कहाँ पर लाया कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल के बीच में, या फिर 1/3 से इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी -1, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट रेगुलर ब्रैकेट और यहाँ पे पेरेंथिसिस, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, और इधर और मतलब यूनियन, इधर 1/3, इन्फिनिटी। ठीक, ये है आपकी रेंज, इसको हम देख लेते हैं, वही है आप जानते ही हैं। सी क्वेश्चन नंबर 27, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू √1 + x² देन आपको बताना है, और आपको हिंट भी दे रखी है, हिंट में और ऑप्शंस में आपको FXY और FXFY अलग से दिया है। तो हम पहले क्या करते हैं, FXY फाइंड कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, जिस जगह x आ रहा है वहाँ पे आप XY पुट कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा √1 + xy² मतलब √1 + x² y² देन FX और FY। तो FX तो आपका जो है वही है √1 + x² और FY क्या हो जाएगा आपका √1 + y². अब आप ये देखिए FX इंटू FY, क्या ये इसके इक्वल है, बड़ा है छोटा है या इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम FX इंटू FY भी कर लेते हैं। ये आपको मिल रहा है √1 + x² √1 + y², इसको आपने सॉल्व किया तो बड़ा सा √1 + x² + y² + x² y² अब ये समझने वाली बात ये है कि इधर आपको तीन जगह स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पर एक जगह स्क्वायर मिल रहा था। आप ये समझिए कि कोई सी भी चीज़ स्क्वायर होती है वो या तो जीरो के बराबर होती है या जीरो से बड़ी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, इसकी कम से कम वैल्यू जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी, ये चीज़ आप जानते हैं। तो अगर हम इन दोनों कंपेयर करें एफ एक्स वाई, और चलिए इजी क्वेश्चन लिख देता हूँ अभी मैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये इजी क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कब, जब एक्स और वाई दोनों जीरो हो। तो इफ एक्स एंड वाई दोनों के दोनों जीरो हों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा √1 = 1 और इधर भी √1 = 1, पर ये कभी भी ये वाली चीज़ इससे छोटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ एक है और यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म तीन हैं। ये या तो दोनों इक्वल होंगे एक्स वाई जीरो होने पे, या फिर ये वाली चीज़ हमेशा इससे बड़ी होगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने रखा एक्स को -1 वाई को 1, तो इसमें आप देखिए इधर आपको क्या मिल रहा है, √2 1 + −1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 तो 1 1 + 1 √2, और यहाँ आपको क्या मिल रहा है √4। तो जीरो से आप कोई सी भी बड़ी वैल्यू लेते हैं आप क्या पाएंगे,
कि आपकी राइट हैंड साइड वाली चीज़ हमेशा LHS लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ से बड़ी है फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ x एंड y अदर देन ज़ीरो वी हैव अंडर रूट 1 + x² y² इज लेस देन 1 + x² + y² + x² y² या तो इक्वल है या तो छोटा है पर बड़ा नहीं है। तो इन दोनों को आपने कंबाइन किया तो आपको ये क्या मिल जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये था आपका fx into fy। क्वेश्चन नंबर 28, डोमेन ऑफ अंडर रूट a² - x² वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इज। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपको डोमेन निकालना है। मान लीजिए ये y के इक्वल है, fx के इक्वल है a² - x². देखिए ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। आप जानते हैं ये क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अंडर रूट a² - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये रेंज की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन ये पे ख़त्म हो जाता, क्लोज इंटरवल 0, ∞ आपको मिल जाता। पर इन्होंने बात करी है डोमेन की, तो आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आपने सॉल्व किया, दोनों जगह स्क्वायर किया, तो आपको ये क्या मिल रहा है, a² - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो a² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x². अब जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एक जगह आपका x a के बराबर होगा, छोटा होगा, और एक जगह माइनस a से बड़ा होगा। ये चीज़ आप समझ गए हैं, आप ही समझिए कि आपने रूट लिया, रूट लेने के बाद आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती, तो ये a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x होता। अगर जैसे ही आप इसे माइनस साइन मल्टीप्लाई करते तो ये साइन उल्टा हो जाता। तो यहाँ पर मैंने एक साथ करके ऐसा लिख दिया, आपको ऐसा मिला, आपने नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया तो आपको ऐसा मिल गया। और जब भी ऐसा होता है तो आप ये ध्यान रखिए कि इसकी दो वैल्यूज आती है, अगर यहाँ पे a इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट है तो आपको ऐसा मिल जाता है। ठीक, इसको मैंने पलटा के लिखा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस a इज लेस देन इक्वल्स टू a। तो ये क्या हो गया आपका, माइनस a कॉमा a x बिलोंग्स टू, ये इसका डोमेन है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आपको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। देखिए अंडर रूट a² - x², आपने बोला कि x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, आपका a तो पॉजिटिव है, नो डाउट। अब माइनस a और a के बीच में मान लीजिए कुछ जीरो आ रहा हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, a² - 0। तो अंडर रूट a² मतलब a, वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0। आपने माइनस a और a के बीच में a/2 ले लिया, अगेन आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, a² - a² / 4 इसका अंडर रूट। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 3 a² / 4। यहाँ पे a आपका एक बार फिर 0 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव मिल रहा है। मगर अब देखिए, इससे आप कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं तो फिर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों, मान लीजिए मैंने लिया x = 2a, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट a² - 4a², जो कि आपका होगा अंडर रूट -3a². रूट में कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। डोमेन वो है जिस पर आपका फंक्शन डिफाइंड हो, तो x की सिर्फ और सिर्फ ये वो वैल्यूज़ है जिस पर आपका फंक्शन a² - x² अंडर रूट ये डिफाइंड है, इसीलिए इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29, इफ fx = ax + b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, f - 1 = -5, f3 = 3, देन a एंड b आर इक्वल टू, आपको बताना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इसमें दिया है fx = ax + b, आप कुछ मत करिए, यहाँ पे f - 1 है जिसकी वैल्यू को -5 दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि अगर x - 1 है तो fx ये आपका -5 है, क्योंकि यहाँ पे x आपका आएगा तो ये पूरा फंक्शन = -5 हो जाएगा। तो f - 1 = 5। ठीक, तो f - 1 = -5, पहले तो ऐसा लिख लीजिए आप, a (x - 1) + b। तो ये आपका हो गया -5 - a + b, देन f3 = 3 = a(3) + b।
तो 3a + b इज इक्वल्स टू 3। ये आपकी इक्वेशन वन और ये आपकी इक्वेशन टू। अब कुछ मत कीजिए आप, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कर लीजिए, तो 3a + b फिर माइनस माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस 5। तो ये क्या हो गया आपका 4a, बी और बी कैंसिल हो गए इज इक्वल्स टू 8। तो ए इज इक्वल्स टू 2। अब ए इज इक्वल्स टू 2 इसको कहीं पर पुट कर दीजिए आप, यहाँ कर दीजिए चाहे तो ए इज इक्वल्स टू 2, इससे आपको बी कितना मिल जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2 मतलब 3 माइनस 6 मतलब माइनस 3। तो a 2 b माइनस 3 ऑप्शन नंबर बी।